मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन जेपी नड्डा ने बुलाया है और दिल्ली गए हैं। क्या कुछ खुलासा होगा, क्या कुछ बड़े फैसले होंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखिए पूरा मामला इस वीडियो पे। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मैं यहीं रहूंगा, दिल्ली जाना मुझे पसंद नहीं है। वहीं आलाकमान से कुछ मांगने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाकर कुछ मांगना पसंद नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह चौहान को जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया है। दोनों नेताओं की मुलाकात शाम 7:30 बजे होना तय है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान की आगामी भूमिका को लेकर चर्चा की जा सकती है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं दिल्ली जाने से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी एक मिशन है, जहां पार्टी कहेगी वहां काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पर्यावरण और महिला हित मेरा प्रिय विषय है, मैं जीवन पर्यावरण, महिलाओं और बाल कल्याण का काम करता रहूंगा।